Assalamu alaikum student, today is our fourth lecture of revision. Chapter name is Turning Effect of a Force. Our first topic is Torque of Momentum of a Force. First of all, I define what is the torque of momentum of a force. The turning effect of a force is known as torque or momentum of force. It measures the rotational effect of a force. Torque is given by the product of force and the perpendicular distance between the axis of rotation and line of the action. हमारे पास टॉर्क क्या कहलाती है कि ऐसी फोर्स जो बॉडी को टर्न करवाए वो हमारे पास टॉर्क कहलाती है या मोमेंटम ऑफ फोर्स कहलाती है. ये किसी भी बॉडी में जो रोटेशनल इफेक्ट्स है उसको मेजर करती है. ठीक है, और टॉर्क क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन है. आप लोगों को डायग्राम में शो हो रहा होगा कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन, ये हमारे पास टॉर्क है. अब टॉर्क नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉइंट ऑफ रोटेशन. द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी कैन रोटेट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन. वो पॉइंट जहां पे बॉडी रोटेट करे हमारे पास पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. इट इज द लाइन अराउंड विच अ रिजिड बॉडी रोटेट्स इन द परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ओ इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वो पॉइंट जहां पे रिजिड बॉडी रोटेट करे, उस फिक्स पॉइंट के लिए हमारे पास जो रिजिड बॉडी है वो रोटेट करे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट ऑफ आर्म. मूवमेंट आर्म हमें क्या बताता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है. ठीक है, हमारे पास मूवमेंट आर्म कहलाता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिफाइन व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ. हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे उस बॉडी का तमाम वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ. मीन्स कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बॉडी का सारा वेट डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कपल. टू फोर्सेस विद सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन आर सेड टू फॉर्म अ कपल. कपल क्या कहलाता है, हमारे पास दो फोर्सेस जो सेम मैग्नीट्यूड में हो, ठीक है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, विद डिफरेंट लाइंस हो, लाइन ऑफ एक्शन जो हो उनका वो डिफरेंट हो, हमारे पास क्या बनाता है, कपल बनाता है. कपल हमारे पास आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा. कपल हमारे पास क्या है, टाउ वन एंड टाउ टू. ठीक है, एफ क्या है, यहाँ पे हमारे पास फोर्स है. यहाँ पे कपल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इक्वल टॉर्क एट पॉइंट ओ एंड आर एक्शन इन द सेम डायरेक्शन इन फॉर एग्जाम्पल इन एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि कपल क्या है, टॉ वन प्लस टॉ टू है, विच फोर्स अप्लाई हो रही है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय पॉइंट ए टू ओ प्लस फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओ बी. ओ बी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे टॉ टू है, वो हमारे पास टॉ टू और टॉ वन की हमने वैल्यू पुट की. टॉ वन की हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू थी, ए ओ ए, और टॉ टू की क्या थी, ओ बी. दोनों को हमने कॉमन लिया. ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन बनी, कपल इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल. एफ क्या है, हमारे पास फोर्स है. एल क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम. अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी.
हमारे पास इक्विलिब्रियम कहलाता है कि बॉडी जब इक्विलिब्रियम की हालत में तब होगी जब वो रेस्ट या मूविंग की हालत में हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में डिफाइन कर दिया था कि हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अब है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या कहलाती है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी जीरो एंड अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी जीरो। हमारे पास जो फोर्सेस है कहाँ पर एक्स एक्सिस पर वो भी जीरो हो और जो हमारे पास फोर्सेस वाई एक्सिस पर हो वो भी उनका सम हमारे पास जीरो हो। जैसे समेशन, समेशन हमारे पास किसके लिए शो करता है, सम को शो करता है। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमें क्या डिफाइन करती है, अ बॉडी इज सेट टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या बताती है कि जो हमारे पास तमाम टॉर्क जो बॉडी पे टॉर्क एक्ट कर रहा है वो हमारे पास जीरो हो, उसका सम हमारे पास जीरो हो। समेशन टॉ इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास जीरो है। इन दोनों कंडीशंस की एग्जांपल्स डिटेल में मैं आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारे पास थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिफाइन व्हाट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी लाइज बिलो पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन और सपोर्ट द बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मैं आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि हमारे पास क्या होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है जब भी कोई बॉडी अपनी हालत चेंज करे लेकिन वो दोबारा अपनी पुरानी हालत में आ जाए तो ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बुक की दी थी और भी बहुत सारी एग्जांपल दी थी। बुक की एग्जांपल है, अगर बुक की एग्जांपल भी हमने क्लास में की थी और भी काफ़ी एग्जांपल्स उससे मिलती जुलती जो हमने की थी वो आप लोगों को अच्छे से याद होगी। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी लाइज अबव द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सपोर्ट द बॉडी इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पेंसिल का जो हमारे पास टिप ऑफ द पेंसिल तब तक हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा जब तक हम उसको सपोर्ट देंगे। जैसे ही हम उसको सपोर्ट देना बंद करेंगे तो वो अपना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो खो देगा और वो अनस्टेबल हालत में आ जाएगा। उसके बाद है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी लाइज एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सपोर्ट द बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या थी, कार का टायर था हमारे पास इसकी एग्जांपल, रोलिंग बॉल थी हमारे पास इसकी एग्जांपल और भी बहुत सारी एग्जांपल थी। यानी कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का जो है वो चेंज ना हो। जैसे कि कार जो है हमारा, कार जब उसके टायर्स को हम देखते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जब कार मूव करती है तो वो जो टायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होता, वो स्टेबल रहता है। तो ये हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और आप लोगों को अच्छे से फीडबैक देना है और अच्छे से इसकी तैयारी करनी है ताकि आप लोगों की पेपर की अच्छे से तैयारी हो सके। हम क्लास में भी टॉपिक्स को और अच्छे से कर चुके थे और दोबारा से रिवाइज हो गया है। अब आप लोगों को पेपर में आसानी होगी करने में, याद करने में। और नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।